हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चॉपर्स में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम गुमनाम सितारों में बात करने वाले हैं मशहूर अभिनेत्री दिव्या राणा के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री में भले ही हम कुछ गिने चुने एक्टर्स को जानते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग आंखों में बड़ा सपना लिए काम करने आते हैं। हर किसी को तलाश होती है तो वो बस एक मौके की। कुछ लोगों को ये मौका किसी स्टार की संतान या फिर जान पहचान होने से आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ को काफी स्ट्रगल करने के बाद फिल्म में साइड रोल या फिर छोटा मोटा काम मिलता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें बतौर लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म मिल जाती है। उन्हीं में से एक थी दिव्या राणा। शायद आज के समय में कुछ लोग इस एक्ट्रेस के बारे में जानते हों, लेकिन 90 के दशक में इस एक्ट्रेस को नाम तो मिला, पर वो उस नाम को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाई। दिव्या राणा ने आर के प्रोडक्शन की फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। पहली फिल्म में उनके अपोजिट कपूर खानदान के लाडले बेटे राजीव कपूर को साइन किया गया था। राजीव कपूर की ये पहली डेब्यू फिल्म थी। हालांकि अपने भाइयों की तरह राजीव को तो फिल्मों में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन वो इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गए हैं। साल 1983 में फिल्म एक जान है हमसे राजीव और दिव्या ने पर्दे पर कदम रखा, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई, जिसके बाद राज कपूर ने अपने बेटे को दोबारा लॉन्च करने का सोचा और फिर राम तेरी गंगा मैली बनाई। बेटे के साथ ही राज कपूर ने दिव्या को भी फिल्म में मौका दिया। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से सारी लाइमलाइट मंदाकिनी को मिल गई और एक बार फिर दिव्या पर दर्शकों का ध्यान नहीं गया। दिव्या का फिल्मी करियर 6 साल का था, जिसमें किसी एक्ट्रेस ने 11 फिल्मों में काम किया और फिर फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। बता दें कि करियर छोड़ने के बाद दिव्या ने अपना नाम बदलकर सलमा मेनकिया रख लिया। दिव्या ने एक्टिंग छोड़ने के बाद मुंबई के बिजनेसमैन फजल से शादी कर ली और आजकल वो मुंबई में रह रही हैं। दिव्या मुंबई में ही एक फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा वो मूर्तिकार भी हैं और मिट्टी की मूर्तियां बनाती है। सोशल मीडिया पर भी वे एक्टिव रहती हैं और ढेर सारी तस्वीरें आपको उनकी मिल जाएंगी। इसके अलावा वे 2 बच्चों की माँ भी हैं। दिव्या वुमेन क्लोथिंग का काम भी करती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिव्या ज्यादातर अपने क्लोथिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पोस्ट शेयर करती हैं। उनका लुक भी पहले से ज्यादा काफी बदल गया है। हालांकि उनकी खूबसूरती पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी दिव्या राणा, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलता हूँ नई अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।